Hello everyone, good morning all of you, welcome to my channel Examstore channel में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो guys हम लोग देखने वाले हैं UPSSC registration को date को लेकर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं लगातार न्यूज़पेपर के इश्तिहार के माध्यम से और लेटर भी लिखकर मुख्यमंत्री जी को जो है इसकी डेट आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ में स्टूडेंट सोशल मीडिया यानी हर प्रकार से जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। अगर उन्होंने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया या इस फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो वो लोग UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो कितने प्रकार की यहाँ पे समस्याएं हैं। पहला देखिए, 5 साल में पहली बार UPSSC में कोई फॉर्म आया और सर्वर की वजह से हज़ारों प्रतियोगियों का फॉर्म नहीं भर पाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड, मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखा सकता हूँ कि ख़राब सर्वर की समस्या से हज़ारों छात्र छात्राओं का नहीं हो सका रजिस्ट्रेशन, अमित यादव। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी को लेटर भी यहाँ पे लिखा गया है कि पेड रजिस्ट्रेशन डेट को एक्सटेंड करा जाए। गाइज यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ट्विटर पे भी लगातार स्टूडेंट हर क्षेत्र के जिनका हो चुका है और जिनका नहीं भी हुआ है वो लोग भी जो है इस डेट को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी हम सब्सक्राइब और लाइक के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपका साथ चाहिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन लोगों के पास भी पहुँच सके और वो लोग भी इसमें शामिल होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं अजय कुमार लालू का ये जो ट्वीट है, UPSSC पेट फॉर्म की अंतिम तिथि 21 जून थी, लेकिन अंतिम 6 दिन से पहले ही सर्वर स्लो हो गया, लाखों नौजवान फॉर्म भरने से वंचित रह गए, जो निराश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को युवाओं के भावनाओं के अनुरूप सबमिशन के लिए और वक्त देना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं UPSSC पेट फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी 21 जून थी, लेकिन अंतिम तिथि 6 दिन पहले ही सर्वर स्लो हो गया, लाखों नौजवान फॉर्म भरने से वंचित रह गए और जो निराश है। उत्तर प्रदेश सरकार को युवाओं के भावनाओं के अनुरूप सबमिशन के लिए एक और वक्त देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, यह लगभग 4 या 5 दिन से जो है बिल्कुल साइट काम नहीं कर रही थी। फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा वो लेटर है उत्तर प्रदेश। गाइज यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग UPSSC ने 25 मई 2021 को प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी पेट के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए और इसकी अंतिम तिथि 21 जून 2021 रही गई है। केवल 27 दिन इस समय संपूर्ण यूपी में लॉकडाउन के कारण तमाम साइबर कैफे बंद थे, जिसकी वजह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के मेरे जैसे अधिकांश छात्र आवेदन करने से वंचित रह गए। साथ ही 17 जून के बाद से UPSSC की वेबसाइट बहुत स्लो हो गई थी और आवेदन पत्र सबमिट नहीं हो पा रहे थे। अब जबकि आवेदन करने की आखिरी तिथि 21 जून निकल चुकी है, फिर भी आयोग के आंकड़े के अनुसार लगभग 9 लाख जबकि वास्तविकता में 15 से 20 लाख छात्र आवेदन सबमिट नहीं कर पाए हैं। अब ये छात्र आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वे विभिन्न माध्यमों से जैसे ट्विटर और सोशल मीडिया जितने भी है उसके माध्यम से जो है सहारा ले रहे हैं, परंतु न तो उत्तर प्रदेश सरकार न ही आयोग छात्रों की बात को सुन रहे हैं। जबकि हाल ही में UPSI एवं कई अन्य भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे जैसे लाखों का आवाज़ बनकर हमारे इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को यूपी सरकार के समक्ष उठाएं, क्योंकि आयोग ने यह शर्त रखी है कि जो छात्र पेट की क्वालिफाई करेंगे यानी जो छात्र जो है पेट को क्वालिफाई करेगा केवल वही छात्र यूपी सरकार की आगामी भर्तियों में आवेदन पत्र पात्र होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपका पेट एग्ज़ाम, मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे देख सकते हैं खराब सर्वर की वजह से हज़ारों छात्र छात्राओं का नहीं हो सका रजिस्ट्रेशन, अमित यादव। सुल्तानपुर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पात्रता परीक्षा प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट
अर्थात कि आज रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि थी, लेकिन सर्वर रात्रि 9 बजे से ही बाधित हो गया। हजारों लाखों प्रतियोगी छात्र छात्राओं के भविष्य अधर में लटक जाएंगे। यदि रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई नहीं गई तो सर्वर ही इस विकट समस्या में चिंतित। एक्सट्रीम कोचिंग सलोरी प्रयागराज के डायरेक्टर अमित यादव से खास संवाददाता से बातचीत में बताया कि हमारे पास छात्र फोन करके सर्वर की समस्या बता रहे हैं। प्रतियोगी छात्र कुलदीप यादव, अभिषेक विश्वकर्मा, विनोद गौतम, सुभाष यादव, अंकित अवनीश, शिवम कुमार, धीरज, अरविंद कुमार, शिवानी, अनुपम, ज्योति यादव, हजारों की संख्या में अग्रिम तिथि की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ रखी है और ट्विटर पर भी ट्रेंड चलाया जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की पात्रता परीक्षा जो है चज्जू की तिथि बढ़ाई जाए, यानी रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है बढ़ाई जाए, जिससे लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और होने वाली पात्रता परीक्षा में सभी छात्र भाग ले सकें। यहाँ पे एक और आपको लेटर मिल जाएगा। सेवा में श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री यूपी विषय पेट एग्ज़ाम की पंजीकरण तिथि बढ़ाने के संबंध में। मुख्यमंत्री महोदय, यूपी उत्तर प्रदेश के लाखों स्टूडेंट कोरोना काल में परेशान है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की वेबसाइट का सर्वर करीब 1 हफ्ते से सही कार्य नहीं करने से बच्चे पंजीकरण से वंचित रह गए। बच्चों या स्टूडेंट के अच्छे भविष्य के लिए उचित संज्ञान लेने का कष्ट करें, धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो लेटर है 23 जून 2021 को नीलेश सिंह लालगंज रायबरेली यूपी से इन्होंने लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीटी आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग प्रयागराज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में विज्ञापित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के आवेदन की तिथि बढ़ाई जाने की प्रतियोगी छात्रों ने मांग की। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम सप्ताह में आयोग की वेबसाइट लगातार बाधित रही, इसी कारण लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं आवेदन से वंचित रह गए हैं। मांग करने वालों में सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह परिहार के अलावा पंकज पांडे, राहुल मिश्र, अतुल त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में प्रतियोगी शामिल हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता भी दिया है गाइस। तो इस वीडियो में बस यही जानकारी मिल पा रही है, बाकी आप लोग ट्वीट लगातार करते रहिए और साथ में यूपी ट्रिपलएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ पर भी मेल करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।